ओके सो बोथ ऑफ यू वार्म वेलकम. बहुत अच्छा लग रहा है कई यंग एंड फ्रेश फेसेस को देखकर, स्पेशली हो गए कोरोना में वे पीपल आर जस्ट स्कैर्ड. सबसे पहले आपसे बात करते हैं, चलिए हाउ इज योर एक्सपीरियंस श्रेया, क्योंकि बहुत अलग तरीके का रोल है, बहुत पेपी सा रोल है. बिल्कुल वसी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस. मेरा जो कैरेक्टर है तमन्ना शर्मा, वो मुझसे काफी अलग है. बहुत कॉन्फिडेंट लड़की है, एक पॉप सिंगर है, और उसे दो चीजों से बहुत प्यार है. एक है म्यूजिक बनाना और एक है अपने ऑडियंस के लिए उसे परफॉर्म करना. उसका एक गोल है, वो अपने आइडल जो क्वीन एली है, जो हमने एक फिक्शनल आर्टिस्ट रखा है, वो इंटरनेशनली जाके उसके साथ गाना चाहती है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आजकल जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट का जमाना हो गया है, तो व्यूज बहुत जरूरी है, एक हिट गाना आना बहुत जरूरी है. तो उसके लिए भी वही प्रेशर है. उसके जो उसका जो कंपनी है, म्यूजिक कंपनी, उन्होंने बोला है कि यू नो यू हैव टू डिलीवर अ हिट सॉन्ग. तो वो सोच रही है कि वो कैसे बनाएगी, ये गाना कैसे बनाएगी. शी इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लू बैंडेड, तो उसका स्टेज नेम है. और एक दिन वो राधे से मिलती है, जो ऋत्विक का कैरेक्टर है. और राधे जो है वो मतलब उम्दा कलाकार है, बहुत ही अच्छा गाते हैं. और उसे लगता है कि अगर वो दोनों कोलैबोरेट करेंगे गाने पे, दे विल बी एबल टू क्रिएट अ हिट मैजिकल सॉन्ग. तो वो उससे बात करती है एंड दे फॉर्म अ बैंड कॉल्ड बंदिश बैंडेड. उसके साथ साथ वो बहुत टाइम स्पेंड करते हैं. सो दे एंड अप फॉलिंग इन लव एंड दे काइंड ऑफ रियलाइज दैट दे आर बाउंड बाय द फैक्ट दैट दे नॉट ओनली प्रॉबली लव ईच अदर बट दे लव म्यूजिक एज वेल. तो ये जो कहानी है बंदिश बैंडेड 10 एपिसोड की, ये उन दोनों की जर्नी के बारे में है. ओके आपसे पूछते हैं ऋत्विक, एनी कनेक्शन विद म्यूजिक डायरेक्टर सचिन भौमिक साहब? हाय, काश. आई विश माय सरनेम केम फ्रॉम हिम एंड माय नेम केम फ्रॉम मिस्टर ऋत्विक घटक. बट ऐसा नहीं है. हां, बट ऐसा नहीं है ना, आई मस्ट से. But okay, no, Sachin Saab or Ghatak Saab have nothing to do with me except for the fact that we all fall into the Mongolian bloods of Bong. music se connection kuch is tarike se raha hai ki main bachpan se music ka bahut bada fan raha hu. Meri family mein har koi music ke bahut bade fan hai. Meri jo dadi maa thi, jo meri pitaji ke mom the, she was a classically trained singer, but she didn't take it up professionally. मेरे grandfather, जो मेरे mom के father थे, वो airports में एक band था उनका, जिसमें वो तबलची थे, वो तबला बजाते थे. But again, he didn't take it up professionally. So nobody really took up any of the art forms that they were very good at in their lives professionally until I happened in the family. And hence, मेरा जो पूरा परिवार है, वो एक जुट होके, they're very happy for me and very excited about the fact that somebody's taken up an art form professionally. They're very ecstatic that the first show, which is my digital debut, you know, the Amazon original called Bandish Bandits, is a musical. And I'm getting to play a Shastri Sangeet Gharane ka singer. You know, I'm getting to play a classical musician. So everybody's very ecstatic. I'm very ecstatic. And I truly believe the amount of love I have emitted for music throughout my life, it's all come back to me in the form of Bandish Bandits. It's music loving me back and making me help, helping me make my dreams come true. So yeah, yahi connection hai music ke saath. Okay, तमन्ना, आपने कहा कि एक ऐसी आर्टिस्ट की भूमिका आप निभा रही हैं जिसमें कि बहुत बड़ा बनना है और बहुत प्रेशर है कि लाइक्स मिले और फेमस हो जाए कहीं लोग. इन रियलिटी आप कितना गाना गाती हैं, या फिर इन रियलिटी आपको म्यूजिक किस तरीके का पसंद आता है? बाकी सुनाएंगे आपको श्रेया चौधरी. आप अगर सुनना चाहती है तो चार अगर Amazon Prime Video. Please गाइए, अच्छा लग रहा सुनना. तो ऑफ कोर्स मैं बाथरूम सिंगर है, सिंगर हूँ. मेरा मानना है कि हम सब गा सकते हैं, पर क्या हम अच्छा गाते हैं ये पता नहीं मुझे. सो आई थिंक एवरीबॉडी इज केपेबल ऑफ बीइंग अ सिंगर. और आपने जो पूछा कि मुझे कौन से तरीके गाने पसंद है, तो ऑनेस्टली मैं जब भी छोटी थी, आई हैव एन ओल्डर ब्रदर, तो वो जो गाने सुनता था मैं उसी को सुन लेती थी. बी एट बैक स्ट्रीट बॉयज, बी एट ग्रीन डे, बी एट ये जो सारे बैंड है, टू हिज फेवरेट बैंड इन स्कूल प्ले. लेकिन धीरे धीरे आई स्टार्टेड डेवलपिंग माई ओन चॉइस इन म्यूजिक. आई स्टार्टेड लविंग द बीटल्स, आई स्टार्टेड लविंग प्रोग्रेसिव हाउस म्यूजिक, जो एक जॉनर है जो मेरे एक दोस्त ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया. एंड वैसे ही मेरी म्यूजिक टेस्ट बदलती गई, जैसे लोगों ने मुझे गाना भेजा, मुझे पसंद आया, स्टार्टेड लिसनिंग टू इट मोर एंड मोर. सो आई फील लाइक मैं कोई भी गाना सुन सकती हूँ, मुझे हर तरीके के जॉनर्स पसंद है.
पर बंदिश बैंड के बाद जो उन्होंने क्लासिक शास्त्रीय हिंदुस्तानी गाने की जो दरवाजे खोले मेरे लिए वो बहुत ही बड़े हैं। मेरा जो मन सबसे फेवरेट सॉन्ग हमारे एल्बम से वो एक क्लासिकल नंबर है जो विरह गाना है, जो आई होप आपने सुना होगा। दैट सॉन्ग मैं जब भी उसे सुनूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लाइक आई एम नॉट इवन जोकिंग, मैंने जब भी पहली बार उस गाने को सुना मेरे आंखों से आंसू निकले। एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक, दैट्स द ब्यूटी ऑफ आर्ट, और दैट इज वाई वी आर आर्टिस्ट। तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था कि मैं एक आर्टिस्ट का रोल प्ले करूं, क्योंकि तमन्ना ऑफकोर्स एक सिंगर है, मैं सिंगर नहीं हूँ, पर तमन्ना लव्स द म्यूजिक एंड श्रेया लव्स एक्टिंग। तो उसे यूज करके आई ट्राई टू प्ले दैट कैरेक्टर ऑफ अ म्यूजिशियन। एंड ऑफकोर्स हमारे बहुत वर्कशॉप थे जहाँ पे वी हैड अ म्यूजिकल सुपरवाइजर हु वुड टेल मी अबाउट म्यूजिक कंपोजिंग, we had a music teacher. So ye sare jo hamein help mili hai to play these characters really helped me, supported me to become Tamanna Sharma. That's nice. Ritvik, aap se jana chahti hu, aap chuki bengali parivesh se hain aur yahan par music bahut integral part hota hai, music and especially agar literature ki main baat karti hu, to aapko kaun sa zyada acha lagta hai, classical acha lagta hai ya aapko ravindra sangeet ka zyada shauk hai ya aapko koi teesra hi shauk hai music mein? ये मैं बंगालियों को खुश करने के लिए कह तो दूंगा, बट वेरी ऑनेस्टली आई टेल यू, मेरा जो स्पेक्ट्रम ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक है वो इतना वास्ट है। आई हैव लिटरली ग्रोन अप फ्रॉम लिसनिंग टू बेंगा बॉयज रिमिक्सेस लाइक ढगाला लागे कड़, सो यू नो आई हैव ग्रोन अप ऑन दिस कैसेट, एंड देन आई हैव ग्रोन अप इन माय अर्ली टीन्स टू बिकम दिस पार्ट ऑफ अ बॉय बैंड वेयर वी यूज्ड टू प्ले ऑल्टरनेटिव रॉक, सॉफ्ट रॉक, वी इवन प्लेड हैवी मेटल. They've gone to the extent of listening to Iron Maiden, you know, and Metallica. And yeah, and then from their progress, being a professional dancer, where I used to listen to a lot of hip-hop music, a lot of dance music, a lot of jazz music, because I'm trained as a jazz dancer. Right. So my music has really transported from there. But one kind of music that has really stayed with me throughout is filmy music, you know, is music Hollywood. From the film industry. You know, wo bachpan se तक उसका प्यार कभी ना कम हुआ है ना बढ़ा है, वो वहीं पे रहा है, वो ये अपना ही अलग लीग में चल रहा है। बाकी आई कीप फ्लक्चुएटिंग बिटवीन दिस जॉनर ऑफ म्यूजिक और दैट जॉनर ऑफ म्यूजिक, बट व्हाट हैज हैपेंड इज आई वाज ऑलवेज वेरी, मैं वाकिफ जरूर था इस चीज से कि क्लासिकल म्यूजिक क्या होता है, सेमी क्लासिकल क्या होता है, या व्हाट गजल्स आर, बिकॉज पीपल इन माय फैमिली डू लिसन टू अ लॉट ऑफ क्लासिकल एंड गजल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ दैट म्यूजिक, नेवर अवर्सिव टू इट. Was I a regular listener to classical music? I wasn't. But aaj, after Bandish Bandits has happened to me, I can very, very fondly say this, that the most amount of music that I listened to in the past few months or say a year since Bandish Bandits has happened is classical music. Now the shoot is over. You know, I can vouch for that. I still listen to it. I'm still doing my riyaz every morning. Doing for the prep. Yeah, have I turned into a gate singer? Not at all. बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं काफी, मैं गाऊंगा तभी जब लोगों ने ना बंदिश बैंडिट देख लिया होगा, क्योंकि तब तक उन्होंने राधे को गाते हुए देख लिया होगा, क्योंकि पहले अगर उन्होंने ऋत्विक को सुन लिया तो उनके शायद उनके नोशन राधे के लिए बदल ना जाए, तो इसलिए मैं I still do my riyaz, but I am not a great singer. What music, classical music has done for me, it's turned into a form of meditation, for the lack of a better word, turned into a form of meditation for me. You know, it's really when every time I listen to classical music or any form of classical, it really calms me down. It makes me happy and suddenly brings this innate sense of joy that I've gotten to be a part of this vast world. I'm a very small part. I'm barely like even 0.001% of this vast world playing Radhe. But the fact that this opportunity has come my way really makes me happy. Truly, from the bottom of my heart. आपसे शेयर जाना चाहती हूँ, तमन्ना के सामने बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े जैसे बोलते हैं लेजेंड्स खड़े थे, हमें नसीर साहब खड़े हैं आपके सामने, मतलब इतने जो नाम लिया जाए वो कम हो जाता है. सबसे पहले तो ये बताइए, नसीर साहब को देख के पहले मतलब वॉज इट लाइक कि आप एकदम से ऑस्ट्रक हो गए हैं, या फिर ऐसा लगा कि नहीं आई विल हैव टू प्रूव माई सेल्फ व्हेन द स्टार एंड एक्टर लाइक हिम इज स्टैंडिंग? क्या पहला रिएक्शन था जब उनको देखा था सामने? जब भी पहले मुझे बताया गया कि नसीर सर पंडित जी का पार्ट करने वाले थे, मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे लगा वाओ, फाइनली मैं एक लेजेंड को परफॉर्म करते हुए देखूंगी और उनके साथ परफॉर्म करूंगी, वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए. मैं जब भी छोटी थी, आई टू ऑलवेज
you know, look up to the idea of performing with certain actors, performing in certain studios. ये सारे dreams थे मेरे. So it was absolutely a dream come true. लेकिन मैं थोड़ी nervous थी obviously. इस वजह से नहीं क्योंकि I was scared of Naseer sir the person. हम सब जानते हैं कि नसीर सर बहुत ही डेडिकेटेड है अपने क्राफ्ट के लिए और उनका वो डेडिकेशन देख के वो जो रोज आके अपना 100% देते थे हर दिन सेट पे, एक दिन नहीं था जब भी उन्होंने एक शॉट के लिए भी 99.9% दिया होगा. तो वो उनका जो डेडिकेशन है वो देख के नर्वसनेस थोड़ी आई कि आई कैन नॉट स्लैक, आई हैव नो स्पेस टू स्लैक, मुझे भी अपना 100% देना पड़ेगा और देना चाहिए. यू नो इतने उम्दा कलाकार है कि अपने पूरे लाइफ में हर कैरेक्टर को उन्होंने मेमोरेबल रखा है. तो उनसे उनको बस देख के बहुत एक्साइटमेंट थी और जब भी मैंने उनसे बात की इतने वार्म और वेलकमिंग थे, बहुत अच्छे से बात की. अब तक हम बहुत एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं. मैं शायद उनसे रोज बात नहीं करती या हफ्ते में बार बार बात नहीं करती, पर जब भी हम मिलते हैं, जब भी हम फोन पे बात करते हैं, there's a sense of respect that and sense of warmth that's there, which is two way. और वो बहुत बड़ी बात है कि you know, even he as a person वो बहुत kind है अपने co-actor के तरफ, crew के तरफ. तो वो सब देख के वो जो nervousness थी वो कम होती गई. पर of course जो nervousness भी थी वो mainly उनके साथ perform करने के लिए था. But just after talking to him ऐसे लगा कि you know that it doesn't matter anymore. Just enjoy taking this moment कि मुझे ये मौका मिला है and make the most of it. तो हाँ वो nervousness भी excitement में बदल गई. That's really sweet. ऋत्विक आपसे जानना चाहती हूँ, मुझे ये वाला जब नसीर साहब को देखा था उनके गाने वाले जो शॉट में, मुझे सरफरोश की याद आ गई थी. उनकी पुरानी एक फिल्म थी जिसमें वो खुद एक गजल गायक बनते हैं. आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था, क्या आपने सरफरोश देखी है और could you connect with these two characters? सरफरोश मुझे बाय हार्ट है वो फिल्म. आई लव दैट मूवी, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दैट फिल्म, आई एम ह्यूज फैन ऑफ अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंसेस इन दैट फिल्म. बट मेरा पहला रिएक्शन जब मैंने नसीर सर को गाते हुए देखा है शो में, किसी भी फिल्म की याद नहीं दिलाई उन्होंने मुझे और ना ही किसी और आर्टिस्ट की याद दिलाई उन्होंने मुझे. लिटरली एक जब पहली बार जब मैंने उनको गाते हुए देखा तो हाँ, ये हम एक सीक्वेंस शूट कर रहे थे, बॉम्बे में शूट कर रहे थे, जहाँ पे वो मेरे सामने बैठे हुए हैं और वो एक तख्त पे बैठे हुए और मैं नीचे बैठा हुआ और वो कहते हैं कि तुम्हें ये गाना है, ये राग गाना है, इस तरीके से गाना है. एंड ही परफॉर्म्स इट फॉर मी टू अंडरस्टैंड माई कैरेक्टर, टू अंडरस्टैंड. और पता है, ये मैं दिल से कहता हूँ हर किसी को कि नसीर सर को पंडित जी प्ले करना और मुझे राधे प्ले करने में कोई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं हुई. इसलिए क्योंकि इन माई लाइफ If I look up to somebody for being the kind of person that Pandit ji is to Radhe, that Naseer sir is to me. Right. So, मेरे real life में मैं जिस तरीके से Naseer sir की तरफ देखता हूँ, उसी तरीके से राधे अपने दादाजी पंडित जी की तरफ देखता है. और मैं as राधे वहां बैठा हुआ था and I was being this character, I might have lost myself. मैं ऋत्विक बन चुका था उस second के लिए. But मजेदार बात यह है कि ऋत्विक, the way ऋत्विक was looking at Naseer sir, was exactly how Radhi would be looking at Pandit ji. So perform to hume karna hi nahi pada. So the moment he started singing, all I could see is this person who's been singing from say 40-50 years now. I could see this man who's groomed himself as a classical singer. And I forgot that I'm looking at Naseer sir. I felt like I saw magic happening. You know, I felt like I was a 4-year-old kid who saw a rabbit come out of a hat and was just so amused by the fact ki ye kaise hua. You know, and did that throw me off? No. That at that moment, the first thought that came to my head was firstly, wow. Secondly, ab maza aayega. See, now I know that I've entered this world with him, hand in hand, playing his grandson. Now all I have to do is just let go and have this journey with him. Absolutely. It'll only just be better and better. That's beautiful. Again, this is what I think. Tell me if you don't agree with me. म्यूजिक है, कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट है, गिव्स यू दैट एक सेल्फ डिसिप्लिन देता है. इस वाली फिल्म में, आई एम सॉरी, इस वाली वेब सीरीज में भी आपको एक पूरी जर्नी देखना मिली, जैसा कि आप भी कह रहे हैं. व्हाट डिड यू लर्न आज जब वो खत्म हो गया उसका शूट एंड सब कुछ और जस्ट 3-4 दिन की दूरी बची है, आज बैठ के क्या लगता है मैंने क्या सीखा? आप तमन्ना जी बताइए.
एक्चुअली आपने जैसे कहा बहुत कुछ सीखा, नॉट ओनली बिकॉज ये पूरी तरह से एक एक्टिंग के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस थी. हमारा जो कैरेक्टर है एटलीस्ट राधे और तमन्ना का, थ्रू आउट इस शो के दौरान दे कॉन्स्टेंटली लर्निंग समथिंग और दी अदर. देर आर टाइम्स जब तमन्ना राधे को सिखा रही है, देर आर टाइम्स राधे तमन्ना को सिखा रहा है. तो ये बहुत सारी चीजें थे जो स्क्रिप्ट में थी, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारा प्रेप था. तो जैसे आपने कहा, द वन थिंग दैट आई रियली लर्न अबाउट स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक इज द अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन दैट गोज इन टू इट. जो आप सुबह रोज उठ के आप रियाज करते हैं, जो टाइमिंग्स होती हैं, जो आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ती है. एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीक्वेंस है जो राधिका कैरेक्टर ही गोज टू कॉल शुद्धिकरण, वो जो पूरी प्रोसेस है, आई वॉज वेरी अनअवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस. और उसे बस सुन के, और जो स्पेशली तमन्ना भी काफी डिसिप्लिन्ड है टुवर्ड्स हर वर्क, उसे भी पता है कि अलग अलग टाइप्स के डिसिप्लिन होते हैं राइट एक म्यूजिशियन के लिए. एक होता है डेडलाइन कि आपको इसी समय आपको गाना देना ही पड़ेगा कैसे भी करके, एंड यू हैव टू डू योर बेस्ट. और एक होता है जब जैसे कि राधे का कैरेक्टर है, सुबह रोज उठ के चाहे आप रात को सोए हो कि नहीं, आपको उस टाइम पे एग्जैक्टली शायद 5 बजे उठ के गाना ही पड़ेगा रियाज के लिए. So these are all different types of disciplines and they exist in every musician, at least the ones who do well and love what they do. So ye sab, just to be in that atmosphere, wo sab dekhke and to portray that character. Jaise choti choti baatein, jaise ye discipline to nahi hua, par it's a learning ki classical singers sing without their shoes. Aur mujhe ye nahi malum tha pehle, because it's an offering to God. तो ये बातें सुन सुन के एंड देयर इट मेक्स सेंस. अगर आप सोचो कि ये कहाँ से आ रही हैं ये बातें, देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग. तो बस वो 75 days के लिए ये सुनते सुनते देख देख कर और निभाते हुए भी, आई होप मैंने वो सारी थोड़ी थोड़ी चीजें इन्वाइट करी हैं. आई कम फ्रॉम अ वेरी डिसिप्लिन फैमिली. मेरे पेरेंट्स बहुत पंक्चुअल है. श्रेया इतनी पंक्चुअल नहीं थी, पर आई थिंक आफ्टर बंदिश पैनिट आई कैन से, स्पेशली क्योंकि आनंद तिवारी भी बहुत ही पंक्चुअल है. वो बिलीव करते हैं कि आप कहीं 5 मिनट लेट नहीं पहुंचो, आप 10 मिनट पहले पहुंच जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So just to be around all of these people, around these characters, I hope I have imbibed self-discipline. That's nice. आपसे जानना चाहूंगी, थोड़े ही दिन बचे हैं और इस पूरे समय में लॉकडाउन पीरियड रहा है, कहीं भी थोड़ा सा भी डर लगा कि अरे अब क्या होगा क्या नहीं होगा ऋत्विक, थोड़ा क्योंकि कोई नहीं जानता यार जब पूरी इंडस्ट्री खुल जाएगी, शूट्स वूट्स प्रॉपरली शुरू हो जाएंगे, लाइफ वाज इट अ स्कैरी टाइम फॉर यू? You know, I'd be lying if I said कि नहीं नहीं मुझे बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई, मुझे पता था कि ये आने वाली, ऐसा नहीं है. Of course, I was very, as you said, not scared. I don't know what the right word is, but anxious. थोड़ी परेशानी तो हुई इस बात को लेके. हाँ, I was anxious about the fact that I don't know what the future holds for any of us, not me, not her, not anybody, but everybody is going through a certain phase. The entire world, exactly. We are all together going through a certain phase and nobody knows. No soothsayer, no tarot card reader is going to tell you ki kal kya hone wala, kyunki is waqt kisi ko bhi nahi pata. Yeah, you know? Absolutely. Kuch nahi pata. So, was a little anxious about it, but the release of the show happening at this time has really, really upped my mood and has really helped me cope with a lot of things. Because I have been waiting for this from a very long time and we've been working on this from a very long time. And we'll be working very hard. And I couldn't have, fortunately or unfortunately, the show is releasing during a period of lockdown. And I don't think I could have asked for a better time for its release. You know, I might sound a little selfish, but at the same time, I know how much the show can give to the people who are stuck at homes also. Yeah. You know, we can entertain you. We can put a smile on your faces and hopefully we will. Hopefully the show works for everybody. Hopefully they like everybody's performance and what the story has to say. So, परेशानी बिल्कुल हुई. I was a little bit of a nerve wreck, but today I can very proudly say that I have overcome all of those feelings and I have become a person who now truly believes in just focusing on the present. I just want to enjoy today. I really want to enjoy today because I do not know what's going to happen tomorrow. You know, ये किताबी बातें हैं, ये ऐसी बातें जो हम पढ़ते थे या सुनते थे
किसी और को कहते हुए, और हमें लगता था यार मैं तो कल के बारे में सोच रहे हैं, हाउ कैन यू जस्ट टेक इट, लिव इन द प्रेजेंट, डोंट फियर अबाउट टुमारो. बट जब ऐसे वक्त में आके पूरा दुनिया ठहर गया एक साथ, तो पता चला कि उसका मतलब क्या होता है कि लिव इन द प्रेजेंट एंड डोंट रियली स्ट्रेस अबाउट. ऑफकोर्स बी होपफुल, ऑलवेज ऑलवेज ड्रीम बिग, डोंट लूज आउट ऑन योर होप्स एंड योर ड्रीम, बट एट द सेम टाइम डू नॉट फॉरगेट टू एंजॉय योर प्रेजेंट जस्ट बिकॉज यू सो इनटू द क्रेविंग ऑफ टुमारो. ये बहुत बड़ी सीख रही है मेरी, और होपफुली विल स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ. वेरी वेल सेड ऋत्विक, रियली. अच्छा, जाते जाते एक लास्ट सवाल, राखी राखी का समय है, दोनों से आप दोनों से जाते जाते राखी के बारे में जानते हुए जाना चाहती हूँ. सो आई हैव एन ओल्डर ब्रदर. क्या? हाँ. अरे मैं कहने वाला था, गलती से भी मत कहना कि मतलब मेरा नाम तो मत लेना ये राखी वाले सेंटेंस में एक बार. राधे का नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, पर आई हैव एन ओल्डर ब्रदर हु आई रियली लुक अप टू. इन फैक्ट ही हैज प्लेड अ वेरी बिग पार्ट इन एवरीथिंग दैट आई डू इन माय लाइफ एंड इज वन ऑफ माय बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम. अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया में नहीं रहता, वो अमेरिका में रहता है. सो एवरी ईयर आई सेंड हिम अ राखी एंड एवरी ईयर ही सेंड्स मी अ गिफ्ट वेरी स्वीटली. So of course I miss him a lot, but I think इस साल मैं उसे एक राखी की गिफ्ट दूंगी, which is Bandish Bandish, which is out of course of August. So वो बहुत excited है. Lovely. What about you? How many girls were running behind you with the राखी, Ritik? मैं तो actually ऐसा कोई. I don't think too many after Bandish Bandish. But आपको पता है मेरे पूरे परिवार में, मेरे mom side और मेरे dad side को सबको एक झूठ लेके मैं एक लौता लड़का हूँ. बाकी मेरी सारी बहनें हैं. सो आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ सिस्टर्स, सो आई मेक श्योर दैट आई डोंट मेक एनी मोर, क्योंकि बायोलॉजिकली बहुत सारे हैं ऐसे भी. तो और मेरी बहन जो है वो इस वक्त मेरे घर पे है, हम सब साथ में है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन पीरियड, एंड शी इज कम हियर आफ्टर रियली लॉन्ग. सो होपफुली इस बार की राखी बहुत ही अच्छी गुजरेगी. और एज श्रेया सेड, आई टू हैव दिस गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ देम, ऑल माय सिस्टर्स. पैसे बच गए ऋत्विक. पैसे बच गए प्रोड्यूसर के खर्चे पे गिफ्ट. It's so nice talking to you. आप दोनों से एकदम young blood and young talent. It's really good to see you both. एकदम जैसे बोलो ना energy throw करने वाले. I could really feel from your one frame. Oh great. So sweet. How sweet. Thank you. Thank you. Thanks a lot and all the best. I'm watching it and आपको मैं अपना review जरूर भेजूंगी. Yes. बिल्कुल बिल्कुल. Please do that. Thank you so much for having us. Thank you so much. Bye. Bye.